हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सुबह का वक्त हो गया, देखिए सब सो रहे हैं और हम जाग रहे हैं। जाग के ब्रश वगैरह कर लिए, देखिए हमारा नाश्ता करने जा रहे हैं। नाश्ता करके फिर किचन में जाते हैं, क्या काम करना है, कैसे करना है। रात में इतनी ज़्यादा लाइट आती जाती है कि बच्चे सो नहीं पाते हैं, तो सुबह लगता क्या जगह है बच्चे को, सो रहे सोने, खुद के भी क्या करनी है गर्मी। मैं कहीं अभी पढ़ाई भी कहीं है नहीं, पढ़ना लिखना भी 12 बजे 11 के बाद करते हैं। अभी तो कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं है, बच्चा सो जाए क्या करना, हमेशा भी सुबह थोड़ा काम कर लेते, खाना वगैरह पका लेते हैं, सब कर लेते हैं। फिर इन लोगों को आते, फिर इन लोगों का नाश्ता पानी बनाते हैं, आराम से हर काम करते। पहले मतलब कि जल्दी नहीं है, आराम आराम से करते हैं। चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं, पापों से फिर मिलते थोड़ी देर बाद। चलो देखिए क्या करते, फिर आपको अपडेट देते हैं, ठीक है? चलिए दुआओं में याद रखिएगा हमको। कौन कौन खाता है? ये बन सेमिया है, देखिए हम बना रहे हैं इसको, कीमे में बनाए। देखिए इसको ऐसे काट लिया है बारीक बारीक चौरे की तरह। आप लोग खाते हैं? हम लोग तो कीमे में खाते हैं, ऐसे तो खाते नहीं, बहुत टेस्टी रहती है। भैया रोटी सब्जी खा रहे हैं, कीमा बहुत टेस्टी लग रहा है। बच्चा मांस नहीं खा रहे, सालन खा रहे हैं, वो सब नहीं खाते, मैं पसंद नहीं करती हूँ। मम्मी को ये सब बहुत पसंद आता है, सालन दे रहे हैं, सालन बहुत लगता है। तो गर्मी की वजह से सिरका प्याज भी बना हमारे यहाँ, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इंसान जिस तरह सिरका प्याज का सिरका बहुत फ़ायदा करते हैं। एक बात बता, चलिए खाना खाते मिलते हैं, नहीं देख लूँगा बहुत टेस्टी। धीरे धीरे पानी छिड़क रहे हैं, झनौती सारा दिन रूम में रह के, तो इसके साथ हम ऊपर चढ़ गए हैं अभी, जस्ट अभी 10 मिनट हुआ चढ़े। देखिए छत पर पानी हमने छिड़का, अपने छत पे पानी डाल दिया, टंकी बह रही है। देखिए बाबू को अंधेरा, मगरिब के बाद हम चढ़े हैं, आज नमाज़ नहीं पढ़नी थी तो आज मगरिब के अजान में ऊपर चढ़ गए हैं। ये देखिए हमारे रोड का, ये हमारे रोड देखिए, और आपको जूम करके हम दिखाते हैं। देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी की, हर इंसान को बोला हुआ क्या बाबू, गर्मी लग रही क्या बाबू? टेप नहीं है, टेप नहीं है, इनको टेप चाहिए, हर हाल में चाहिए टेप, चाहे जैसे चाहिए। इतनी ज़्यादा गर्मी है, देखिए कोई कहीं दिख नहीं रहा है, रोड पे भी ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। देखिए हाँ, देखिए पतंग उड़ रही है, बस एक पूरे आसमान में एक पतंग उड़ रही है। देखिए गर्मी में कोई कहीं नहीं, सब अपने अपने नीचे ठंडे में। अभी हम भी कमरे में एसी चला कर और पानी को छिड़क देंगे तो हमें बहुत ठंडा हो जाएगा। अब जाएंगे तो
दिन भर रूम में भी नहीं अच्छा लगता, सारा सारा दिन रूम में रहिए तो अच्छा भी नहीं लगता भाई, कि कहाँ जाएँ, सारा दिन कमरे में, घर भी नहीं जा पा रहे हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि लाइट करेली बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, चारों तरफ लाइट ही जा रही है, गर्मी तो है। सबसे बड़ी बात मेरा रूम ऊपर का है ना, तो मतलब लाइट दो मिनट भी जाती तो गर्म हो जाता है, और लाइट रहती तो सही रहता, रहने लायक रहता कि इंसान रह ले, ए सी चलती रहे बस, इतनी ज़्यादा। और हमारे तरफ इतने पेड़ पौधे थे, जब से हॉस्पिटल बन गया है सारा पेड़ पौधा इसने कटवा दिया, हॉस्पिटल में कहते हैं कि शुद्ध हवा ये हवा ये, तो अपने हॉस्पिटल के चक्कर में पूरा पेड़ ही कट गया। नहीं तो हमारी ये जो चीज़ें जो छत है मेरी टंकियों की, सब बिल्कुल ठंडा पानी रहता है, गर्म नहीं होता था। नीम का पेड़ था, पूरा नीम का पेड़ ढका हुआ था और खूब ठंडा रहता था। अब सारा पेड़ पौधे का नहीं भी आपको पेड़ पूरी रोड पर नहीं दिखी, नहीं तो ये बहुत यहाँ पेड़ रहते थे, अब पेड़ ही नहीं दिखते, अब कुछ दिखता ही नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, इंसान कहाँ, जब मिलेगा तो इंसान बीमार पड़ेगा। देखिए हर जगह बिल्डिंग बिल्डिंग बन रही है, देखिए इनका फ्लोर, देखिए इनके फ्लोर की वजह से गाइज हम लोग के यहाँ बिल्कुल हवा नहीं आ पाती, इतना ऊंचा है कि आ ही नहीं पाती, और इतने ज़्यादा जॉस लगे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नीचे सारी गर्मी इधर साइड हम लोग तरफ फूकती है, यहाँ पे 3, 4, 4 जनरेटर लगा हुआ है, इधर साइड की देखिए 3 लगी है, और यहाँ पे इतने जॉस है, इस वजह से हम लोग को इतनी ज़्यादा गर्मी, हम लोग को पूरी गर्मी में हम लोग सड़ जाते हैं हॉस्पिटल की वजह से। हॉस्पिटल अच्छी चीज़ है मगर इतना ही बगल में नहीं होना चाहिए गाइस, पूरा घर दम गर्म हो, इतनी ज़्यादा गर्मी, इनका सारा एग्जॉस्ट का इधर ही लगा हुआ है, जो एग्जॉस्ट इधर लगे तो गर्म, जाहिर सी बात है गर्म रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऊपर कमरा है बिल्कुल तपता है, नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस गर्मी की वजह से दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ देर मिलते हैं, वो देखे लेटे हैं तो पॉपकॉर्न खा रहे हो, युवा क्या बनाता हूँ पॉपकॉर्न, ये टीवी पर अभी देखे, और क्या बना रहे हैं आप, उन्हें कभी खाया बचपन में, हमने बचपन में बहुत खाया, मम्मा बनाई है चीला, बहुत टेस्टी होता है, इसमें हमने क्या डाला, हमने मूंग दाल का नहीं बनाया, हमने आटे और मैदे का बनाया, इसमें हमने डाला गरीब मेवा पीस के, और उसके बाद क्या नाम है इसको घोल लिया, देखिए हमने ऐसे देसी घी डाल के फ्राई पैन में इसको ऐसे कर, बहुत टेस्टी बनता है, देखिए पलट के आपको बताते हैं, राइस देखिए पलट लिया हमने फटाफट, ये फटाफट पलट लिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। नहीं खाएगा मेरे बच्चे साथ, कैसा है मेरे ये पॉपकॉर्न खा रहे हैं, हमारे बच्चों ने एकदम तुरंत फिनिश कर दी, हमें खाने का मौका ही नहीं दिया, दूसरा बनाया तो खाएं हम, तुम नहीं खाओगे शाहरम, तुम हम और शाद खाएंगे, हम लोग को ज़्यादा पसंद है ये सब चीज़ें, हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है, ये हमको बहुत पसंद है, स्वीट भी रहता है, नमकीन भी, मतलब मीठा भी ज़्यादा नहीं रहता, और मतलब टेस्ट अच्छा सा रहता है, और घी में अगर बनाइए तो बहुत टेस्टी, देसी घी में आप लोग बनाइए तो बहुत टेस्टी बनता है, देखिए तैयार हो गया, इसको ऐसे करके हम पलटते हैं, ये ऐसे पलटते हैं, बनने के बाद ऐसे हो जाता है, और ये देखिए ऐसे हैं, इसको देखो कितनी आसानी से हम पलटते हैं, ये देखिए इसको ऐसे साइड से ऐसे करेंगे, इसको नाइफ से कर, हल्का सा घी लेंगे, घी लेंगे इसको हम, इसको ऐसे 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 साइड से पूरा डाल देंगे, ये ऐसे, ये देखिए इसको ले जा, शाद का एक्सप्रेशन देखें, शाद कहीं ये सो तो नहीं रहा, ये खाना खा रहे हैं, ये देखिए इनका एक्सप्रेशन कैसा, बाबू टिफिन भी दे दिया करें क्या तुम्हें बना के, ये तो अभी कैसे खा गया, रात हो गई है, बज रहे हैं 1:45, और हमको संडे की दावत मिली है, संडे को हम दावत में जाएंगे, हमको संडे की दावत मिली, सैटरडे को मिल रही थी मगर सैटरडे को कैंसिल हो गई, संडे को मिल गई दावत, अब संडे को दावत में जाएंगे कहीं, सब लोग जाएंगे, हम पूरी फैमिली जाएंगे, सुबह 12-1 बजे जाएंगे और रात को 10-11-12 बजे आएंगे, सारा दिन रहेंगे,
और गाइस रात हो गई, सोने जा रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा मेरा चैनल, लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज शेयर ज़रूर करिए। व्यूज तो आ ही नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर स्टक हो गए, बढ़ नहीं रहे हैं, मतलब समझ शुरू बहुत चला, अब थोड़ा सा स्लो हो गया। गाइस प्लीज, नहीं गर्मी तो दिमाग को भी गर्म कर चुका, देखिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज करिए। बाय बाय, गुड नाइट, दुआ में याद, सुबह नए ब्लॉग के साथ आते हैं, आएंगे नए ब्लॉग के साथ, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे, गर्मी थोड़ी खत्म हो तो अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे। बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।